This video is going to be positive, it's going to be filled with love, respect, and uh, peace. In no way I'm, am I going to or intend to hurt the feelings of any group, religious group, or any race. And this video is mainly going to be in Hindi or Urdu because that's the main audience of this video. <clears throat> Assalamu alaikum to my brothers and sisters, Muslim brothers and sisters.

बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी या फिर उर्दू में बात कर रहा हूँ प्लीज़ आप लोग मजाक नहीं उड़ाइएगा <laughs> uh, मैं फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था एक वीडियो पे मैं आया ये वीडियो किसी भी तरह का हेट या फिर डिसरिस्पेक्टफुल या फिर किसी का फीलिंग्स हर्ट करने के लिए नहीं है और ना ही करेगा ये वीडियो सिर्फ़ लव और पीस प्रमोट करने के लिए है क्योंकि मेरा कंटेंट ही यही है मतलब मैं किसी भी हेट कंटेंट पे नहीं हेटरेट कॉन्टेंट नहीं बनाता सिर्फ लव और रिस्पेक्ट पर बनाता हूँ तो मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था मैं एक वीडियो देखा जिस पे मैं बहुत हर्ट हुआ एज अ मुस्लिम मुझे हर्ट फील हुआ मैं सैड फील किया मैं आपको बताता हूँ क्यों तो ये वो वीडियो है फोकस करके दिखाता हूँ आपको ये है वो वीडियो पता नहीं सही तरह फोकस हो रहा है नहीं ये देखें देखो पता है कुरान में क्या लिखा है काफिरों के गले काट देने चाहिए गली रो वो उनका रिलीजन है यार जो करना है करने देना देखो क्या है अबे चूती है अपन ही काफिर है अभी मैं इस पे एक रिप्लाई देने से पहले मैं अपना एक किस्सा बताना चाहूँगा एज ए मुस्लिम मैं फ़िलहाल तो तुर्की में हूँ चार महीनों से इससे पहले मैं दुबई में अपने अबू के रेस्टोरेंट पे काम करता था बरशा में वहाँ पे एक एक वक्त ऐसा हुआ कि जुम्मा का वक्त जुम्मा नमाज़ का वक्त था और ए, मैं दुकान पे हिसाब किताब बंद करके जुम्मे नमाज़ की तरफ जुम्मे की तरफ़ नमाज मस्जिद की तरफ़ दौड़ने लगा अगर आप लोगों को पता नहीं है एज़ अ मुस्लिम मैं आपको बता दूँ कि जुम्मा नमाज बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी मतलब ज़रूरी है मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसीलिए आप जुमे नमाज़ के दिन अगर किसी भी मस्जिद में जाओगे मस्जिद के बाहर भी बहुत सारे लोग होंगे तकरीबन पूरे मुसलमान मस्जिद मस्जिद पे होते हैं जुमे नमाज़ की तरफ इतना ज़रूरी है तो मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ पांच वक्त का नमाज भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कुरान भी पढ़ता हूँ विद ट्रांसलेशन अल्हम्दुलिल्लाह और रोज़े भी रखता हूँ बाकी सब मतलब मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ तो मैं सब कुछ ख़त्म किया और मैं नमाज़ के लिए मैं लेट हो गया था मैं दौड़ने लगा मस्जिद की तरफ और जिधर मैं काम करता हूँ वर्षा में उधर और मेट्रो की तरफ मेट्रो के तरफ जाने पे एक किलोमीटर का रास्ता एक किलोमीटर से थोड़ा तो ज़्यादा है मॉल ऑफ दमरेट्स के अंदर है तो मैं जाने लगा रास्ते में मैंने एक औरत को देखा उनके हाथ पे बहुत ज़्यादा थैली थी थैले थैली थी सॉरी मेरे बुरे ग्रामर के लिए सॉरी मेरा हिंदी अच्छा नहीं है तो उनके हाथों में थैले थैली थी और वो जा रही थी मैं समझ गया कि वो मेट्रो की तरफ जा रही है और मेट्रो बहुत दूर है तो इस वक्त एज अ मुस्लिम मैं अल्लाह का कसम का काके कहता हूं कि मैं स्टोरी नहीं बना रहा हूं ना ही स्टोरी को इस स्टोरी पे मिलावट कर रहा हूं ये सौ फीसद सच है अल्लाह के कसम के कह रहा हूं मैं जा रहा था एज अ मुस्लिम हमारा हमारा दिल माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सॉफ्ट है मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा आप देखते रहिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा कि किस तरह मेरा मैं बहुत सैड हुआ वो देख के क्योंकि मैं मस्जिद की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था और इधर मैंने एक औरत को देखा क्योंकि दुबई एक मुसलमान कंट्री है उधर और कोई नहीं था बस वही औरत जा रही थी मेट्रो की तरफ तो मैं जब दौड़ रहा था मैं अपने दिल में लड़ रहा था कि मैं इनका मदद करूं या फिर मस्जिद में जाऊं तो मैंने अस्तफर पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांग के अपने दिल में अल्लाह मुझे माफ़ करे मैंने मैं वापस पीछे आया नमाज से लौट के मैंने बोला मैंने दुआ किया कि नमाज़ नहीं छूटे मेरे आने तक तो मैंने आंटी को आंटी से पूछा इंग्लिश में आंटी आपको मदद चाहिए मैं आपका सामान उठा के ले जाता हूँ आप मेट्रो की तरफ़ जा रही है मैं उधर आपका सामान छोड़ देता हूँ उन्होंने बोला ठीक है मैंने उनका सामान उठाया जा रहे थे जा रहे थे बहुत लंबा रास्ता था रास्ते में मैंने उनसे पूछा आप किधर की है उन्होंने बोला इंडिया की मैंने बोला मुझे पता है क्योंकि आप सारी पहनी हुई है आ, तो मैंने बोला आप आ, आपका लैंग्वेज मदर टंग क्या मेरा मतलब है उन्होंने बोला मराठी है मैंने बोला माशाल्लाह मैंने बोला मुझे मराठी लोग बहुत पसंद है मैंने उनका दिल रखने के लिए मैं सबको पसंद करता हूँ दिल रखने के लिए मतलब उनको खुश करने के लिए बोला ताकि वो अनकम्फर्टेबल फ़ील नहीं करें तो मैं उनका आ, सामान मेट्रो की तरफ़ ले गया और गेट पर जिधर से सिर्फ पैसेंजर्स जा सकते हैं मैंने उनका सामान गेट पे रख दिया और उनको बोला अब अभी आप इधर से तो जा सकती हैं इन ना उन्होंने बोला तुम नहीं आ रहे मतलब तुम तुम मैं मे, तुम मेट्रो से ट्रैवल नहीं कर रहे थे मैंने बोला नहीं आते मैं इधर बस आपका सामान छोड़ने के लिए आया था तो फिर वो चली गई और मैं मस्जिद की तरफ़ दौड़ दौड़ के जाने लगा लेकिन नमाज़ कज़ा हो चुकी थी अस्तफ़रल्ला अभी मैं आपको ये इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि मैं कितना अच्छा हूँ या फिर मुसलमान कितने अच्छे हैं मैं आपको बस ये बता रहा हूँ क्योंकि ये और उधर मीडिया तो मौजूद नहीं है ये दिखाने के लिए या फिर कोई और नहीं है जो ये बताएगा मैं ये बस आ, अपने मुसलमान होने के मुताबिक अपने इंटेंशनस हर मुसलमान का इंटेंशन और उनके इनर फीलिंग्स बताने के लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट लोग जो है मीडिया के मीडिया को देखकर मुसलमानों से डरने लगते हैं कि इनके अंदर शायद किसी तरह का हेट्रेड है या फिर टेरर छुपा हुआ है जो ये सब लोगों से नॉन मुसलमानों से हेट करते हैं ये बिल्कुल झूठ है मैं आपको एक और अपना किस्सा दिखाता हूँ शॉर्ट किस्सा मैं जिधर काम करता हूँ अलबरशा में उधर ज़्यादातर लोग बैचलर्स है और हर रिलीजन के हैं हमारा जो रेस्टोरेंट है उधर के ज़्यादातर कस्टमर्स पाकिस्तानी भाई बहन हैं मैं ख़ुद पाकिस्तानी नहीं हूँ मैं ख़ुद उज्बेक हूँ और उधर जो आते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी भाई बहन हैं जो मुसलमान हैं उनके अलावा इंडियन भाई बहन जो वो भी मुसलमान हैं और थोड़े से जो हमारे कस्टमर हैं वो है हिंदू क्रिश्चियन भी होंगे मेरे ख़्याल से क्रिश्चियन है लेकिन वो लोग हिंदुस्तान से नहीं है कहीं और से तो हमारे ही बिल्डिंग में एक लॉन्ड्री शॉप है वो लॉन्ड्री शॉप के जो काम करने वाले हैं तीन लोग हैं वो सब हिंदू है लखनऊ के हैं और आप यकीन माने वो जब आते हैं मैं उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ हालांकि वो लोग सिर्फ़ एक चाय पीते हैं और एक पराठे खाते हैं ठीक है ना वो लोग स्त्री स्त्री करने वाले हैं लॉन्ड्री वाले हैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको आ, मतलब तरक्की दे और वो लोग बहुत पैसेदार हो जाए इन तो वो लोग जब आते हैं मेरा दिल उनके लिए ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि वो लोग अपने आप वो लोग अपने देश से दूर हैं अपने लोगों से दूर है अपने मजहब के लोगों से दूर है तो मेरा इसकी वजह से मेरा दिल उनके लिए ज़्यादा नरम हो जाता है अल्लाह की कसम के कह रहा हूँ यही इंटेंशन है इसके अलावा और कोई इंटेंशन नहीं है मैं इसलिए भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता हूँ क्योंकि वो लोग मैं चाह क्योंकि मैं चाहूँ कि वो लोग मुसलमान बने या फिर मुसलमानों को अच्छा देखने लगे मेरा सबसे मेन इंटेंशन या फिर रीज़न ये होता है उनके साथ अच्छा होने का क्योंकि मेरा दिल उनके लिए नरम होता है जो माइनॉरिटीज़ होते हैं हालांकि वो लोग कहीं से भी हो किसी भी मज़हब के भी हो एज अ मुस्लिम हमें यही सिखाया गया है बचपन से और हमारे रिलीजियस स्क्रिप्ट स्क्रिप्चर्स जो कुरान है स्क्रिप्चर जो कुरान है उसके अलावा हदीस है जो हमारे प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रैक्टिसेस और उनके काम करने के मतलब लोगों के साथ मिलने उठने बैठने के तरीक़े हैं उनके मुताबिक हमारा दिल माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम्स के लिए बहुत नरम है आप यकीन माने उसके अलावा मैं आपको प्रूफ भी दूंगा आ, इसके अलावा है आ, मैं क्या बोलने लगा था अभी कैमरा के सामने आया हूं तो सब कुछ भूल गया मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखा था ये बस अपने अप, अपना स्टोरी आप लोगों को बता रहा हूं और हाँ ये जब ये लोग जब आते हैं आप यकीन माने मैं इनका मैं ये आपको बताने के लिए ये किसी को भी बताने के लिए नहीं करता हूँ मैं अल्लाह माफ़ करे कि मैं अपना अच्छाई मतलब ये सब आप सब के सामने रख रहा हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे मेरा नीयत अल्लाह की कसम काके कह रहा हूँ सब मेरा नीयत पाक है और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है जो हिंदू ये हिंदू भाईजान ने मैं डिसरिस्पेक्टफुली नहीं बोल रहा हूँ हिंदू भाईजान ने जो ये वीडियो बनाया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये 2.5 मिलियन व्यूज़ दिखा है इस पर थ्री से ज़्यादा शेयर 30000 से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया है और इस पर मुसलमानों को बहुत बुरा दिखाया जा रहा है इसकी वजह से तो मुसलमानों पे जो इनोसेंट मुसलमान हैं उन पे बहुत ज़्यादा हेट क्राइम्स हो सकती हैं इस वीडियो की वजह से इसलिए एज़ अ रिप्लाई मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं बाइक हम मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ भाई पे प्लीज़ हेट नहीं करना हम मुसलमान हेट के लिए बिल्कुल नहीं है मैं सिंसियरली अपने इंटेंशंस एज अ मुस्लिम होने के मुताबिक अपने इंटेंशंस बता रहा हूँ और हमारे इनर फीलिंग्स जो जिस पे ज़्यादातर नॉन मुसल ज़्यादातर नॉन मुसलमान डाउट करते हैं और डरते हैं अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अच्छे और बुरे लोग हर मज़हब के होते हैं हर जगह से होते हैं रेस और रिलीजन दोनों में अच्छे लोग और बुरे, बुरे लोग होते हैं अभी छो, छोटे से लोगों की गलतियों की वजह से आप पूरे ग्रुप को गलत कहेंगे तो यह गलत बात होगी और दुनिया में जो आ, मैं फिर से लॉस्ट हो गया वर्ड्स के बीच में आ, चले उसको छोड़े मैं जब याद आएगा मैं बताऊंगा इसके अलावा अपना एक और स्टोरी बताता हूँ जिधर मैं काम करता हूँ उधर तो ये लोग आते हैं ना तो जो लॉन्ड्री वाले जो हिंदू के लखनऊ के हैं आप यकीन माने मैं उनके साथ हिंदू में बात हिंदी में बात करता हूँ और उनके बारे में उनका पान पूछता हूँ उनका मतलब जो उनको अच्छा लगता है वो पूछता हूँ उनका दिल उठाने की कोशिश करता हूँ अल्लाह की कसम ये सच बात है और आ, ज़्यादातर मैंने आपको बोला कि वहाँ पर पाकिस्तानी बाई लोग हमारे कस्टमर्स हैं सही है ना तो वो लोग मुझसे पाकिस्तान का न्यूज़ रखने को बोलते हैं तो जब वो लोग आते हैं हालांकि वो लोग भी बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल है माशाल्लाह वो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग भी अच्छे लोग हैं लेकिन जब वो लोग मुझे बोलते हैं कि बाईजान इंडियन न्यूज़ लगाओ आप यकीन मानो मैं उनके लिए इंडियन न्यूज़ लगा देता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी है जो हिंदू है वो आते हैं और सिर्फ यही नहीं सुपरमार्केट वर्कर्स भी है जो हिंदू है वहाँ पे आते हैं आप यकीन मानें मैं उनको सबसे ज़्यादा अटेंशन देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो तोड़े से भी हर्त ना हो इसलिए क्योंकि मेरा दिल उनके लिए मतलब ज़्यादा सॉफ्ट है क्योंकि वो लोग माइनॉरिटीज़ हैं अपने देश से दूर आए हुए हैं इसके अलावा मैं उससे पहले अल अलुसेस में काम करता था दुबई में अपने अबू के रेस्टोरेंट पे कैशियर और उधर <coughs> सब मुसलमान थे उसके अलावा दो लोग थे जो ईसाई थे क्रिश्चन थे ईसाई ब्रदर्स थे और उनका नाम एक तो है सैम भाई दूसरा है जॉर्ज भाई मैं कोशिश करता था कि सबसे अच्छा इन दोनों के साथ हूँ और इनका दिल बिल्कुल भी नहीं दुखे इनको किसी भी तर... किसी भी तरह से वो मतलब अपने आप को लोनली फ़ील ना करे अपने आप को हमसे दूर फील ना करें अल्लाह की कसम मेरा यही इंटेंशन था और मैं ये इससे नहीं करता था कि वो लोग मुसलमानों को अच्छा देखने लगे या फिर मुसलमान की तारीफ़ करें या फिर वो मुसलमान बन जाए मैं ये इंटेंशन से नहीं करता था मैं सिर्फ इसीलिए करता था कि क्योंकि मेरा दिल उनके लिए ज़्यादा नरम होता था क्योंकि वो लोग अपने लोगों से दूर है वो लोग सिर्फ दो लोग हैं और ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी मैंने आपको बताया कि मैंने क्यों ये सब बताया आप सबको और इसके अलावा ये भाई ने बोला कि मुसलमान कहते हैं आ, नहीं क़ुरान में कहा गया कि काफिरों का गला काट दो और उन्होंने बोला हम काफिर हैं तो हमारा ये वो बोल रहे थे मैं इनको ये भी बोलना चाहूँगा कि एक ज़माना था सॉरी हिंदुज़म जो है इस्लाम से बहुत ज़्यादा पुरानी है बहुत ज़्यादा पुरानी है इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले आया था ठीक है ना ये सब अग्री करते हैं तो इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैल गया 1.9 बिलियन मुस्लिम्स फ़िलहाल इस्लाम अगर आप सर्च करें सही तरह के से सर, तर, तरह से इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे तेज़ ग्रोइंग, मतलब तेज़ बढ़ रहा तेज़ पहल पहल रहा है मतलब सबसे ज़्यादा तेज जो पहल रहा है जो दीन है वो इस्लाम है अगर आप रिसर्च करिए आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है क्या इसलिए पहल रहा है क्योंकि हम तलवार लेके काट रहे हैं सबको नहीं मैं आपको एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्यों पहल रहा है जब हज़रत मोहम्मद सल्ला वसम का वफात हुआ उनके जो कम्पेनियन सहाबी थे उनके जो फॉलोअर्स थे वो ट्रैवल करने लगे हर दुनिया दुनिया के हर कोने पर जब वो जाने लगे थे तो दो दो होकर हर जगह में रहते थे उस वक्त हिंदुस्तान में बिल्कुल मुस्लिम नहीं थे बिल्कुल ना बंगाल ना पाकिस्तान ना इंडिया मुस्लिम बिल्कुल नहीं थे शायद क्रिश्चियंस होंगे लेकिन ज़्यादातर हिंदू थे ये तो ऑबियस है और जब ये लोग उधर जाके रहने लगे उधर बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस करने के लिए और दावा देने के लिए लेकिन इस तरह दावा नहीं कि आओ मुसलमान बन जाओ तुम्हें मारूँ मुस्फ़िरल्ला मारूंगा अगर मुसलमान नहीं बने इस तरह नहीं वो लोग बिजनेस करते थे और अपने अखलाक दिखाते थे अपने मैनर्स दिखाते थे इसकी वजह से उनका अखलाक देख के उनसे पूछने लगे तुम कौन से मज़हब के हो तुम क्या करते हो कहाँ से हो तो अपना स्टोरी बताते थे कि हमारे पास अल्लाह का आखिरी पैगम्बर आया हज़रत मोहम्मद महमदल और उन्होंने हमें ये सब बताया और उन्होंने हमें क़ुरान जो अल्लाह की तरफ से नाजल हुआ वो दिखाया वो सिखाया और जब वो लोग सही तरह से बताते थे इस्लाम के बारे में इसकी वजह से वो लोग मुसलमान बनने लगे इस्लाम एक्सेप्ट करने लगे और मैं आता हूँ मुग़लों के वक्त पे, मुग़ल जो इंडिया पे रूल करते थे अकबर द ग्रेट के बारे में बात करूँगा ये भाई ने बोला कि हम हिंदू होकर हिंदुस्तान में बैठकर टैक्स पे करते थे मुसलमानों को इन्होंने ये बोला और इन्होंने वो कत्ल करने का बाद बोला मैं कत्ल करने के बाद पे आता हूँ कुरान पे लिखा है ये उस वक्त नाजिल हुआ था जब जो अरेबिया के कुफार थे वो मुसलमानों को बिल्कुल जीने नहीं देते थे और उनका सिर्फ एक इसी एक वजह की एक चीज़ की वजह से क्योंकि वो लोग मुसलमान थे उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे जुल्म करते थे उनके ऊपर हज़रत बिलाल जो हज़रत मोहम्मद वसल्लम का है 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 उनके उनके मुस, मुसलमान होने पे उनके पे मुंह कोयले डाल के उनका मुंह बंद करते थे उनको बोलते थे तुम काफिर बन जाओ फिर से फिर उन्होंने माइग्रेट किया हिजरा किया मदीने की तरफ और जब मदीने की तरफ हिजरा किया तो फिर भी वो उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा उनको मारने के लिए उधर भी आ गए हालांकि उनको उनके घर से निकाल दिया उनका सब कुछ पैसा सब कुछ लूट लिया उनको घर से निकाल दिया मुसलमानों को फिर भी उनका दिल नहीं भरा और उन्होंने मदीना की तरफ भी आने लगे लड़ने के लिए तो उस वक्त ये नाजिल हुआ कि उन उनके साथ लड़ो तब तक जब तक वो सरेंडर नहीं करे जब तक वो लड़ना छोड़ दे और क़ुरान पर यह भी लिखा है कि जब वो लोग लड़ना छोड़ दे तो उनको प्रोटेक्ट करो ये और कि ये और कहीं भी नहीं लिखा है इतनी अच्छी बात उनको प्रोटेक्ट करो एक बंदा जो आपसे लड़ रहा है जब उसने मतलब लड़ना छोड़ दिया आपको उसको प्रोटेक्ट करना है इस्लाम की इस इस्लाम पे अगर आप मुसलमान हैं तो उसके अलावा जो है आ, इस्लाम में ये भी लिखा है उस जमाने में लोग बहुत जाहिल हुआ करते थे अभी फैलन जो है ये सब बुरी मानते लेकिन उस जमाने में आप यकीन माने इस्लाम अभी भी है सबसे अच्छा और काइंड रिलीजन था अभी भी है अभी भी है अगर आप सही तरह से पढ़ेंगे सिर्फ बुराई देखेंगे तो देवता भी राक्षस लगने लगेगा आप सब कुछ देखें इक्वली शुरू से लेकर आखिर तक इंटरनेट में आप अच्छाई बुराई सर्च नहीं करें आप खुद पढ़े मीडिया का बात भी नहीं सुने फेमस लोगों का बात मूवीज भी नहीं देखें अगर आप किसी को जानना चाहते तो उनसे जाके पूछें उसके अलावा मैं आपको बता रहा था इस्लाम में ये भी है वॉर एटिक्स वॉर एटिक्स और किसी रिलीजन में नहीं है किसी भी लोगों में वॉर एटिक्स नहीं है इस्लाम में दिया गया है कि जब तुम लोग किसी के साथ वॉर पे हो गए औरतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है बूढ़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है यहाँ तक कि जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और दरख्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है नॉट इवन द एनिमल और द ट्रीज यू कैन हार्म एज ए मुस्लिम सुफान ला तो मैं इनके शुरू वीडियो पे ये रिप्लाई दिया और उसके बाद उन्होंने टैक्स के बारे में बात किया हिंदू हो के हिंदुस्तान पे बैठ के मुसलमानों को टैक्स देना पड़ता था जब मुसलमानों का राज था मैं आपको एक गूगल विकीपीडिया पे सर्च करके बताता हूँ कि अकबर द ग्रेथ जो मुग़ल के आ, लीडर थे वो हिंदूज़ को किस तरह नॉट ओनली हिंदूज माइनॉरिटीज जो दूसरे नॉन मुस्लिम थे उनको किस तरह ट्रीट करते थे ये आप देखें ये मैं नहीं गूगल कह रहा है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा सही है इधर लिखा है ही डिड नॉट फोर्स इंडियाज मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन टू कन्वर्ट टू इस्लाम कुरान में भी लिखा है रिलीजन कैन नॉट बी फोर्स और ये मैंने प्रूव करके बोल दिया कि इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया तो वो फोर्स होकर नहीं आया अखलाक की वजह से आया अगर फोर्स होके आता तो जब मुगलों का राज था तब तलवार के जोर पे या तो सबको मार देते तखरल ये गलत बात है मैं बता रहा हूं आपको एज अ लॉजिकल आंसर या तो सबको मार देते या तो सबको मुसलमान बना के छोड़ते अगर ऐसा बात होता तो और आ, यहाँ तक कि नहीं ये इतने मतलब टॉलरेंट लीडर थे एज अ मुस्लिम अकबर द ग्रेट इतने टॉलरेंट लीडर थे कि गूगल पे पढ़ के बताता हूँ ही डिड नॉट फोर्स इंडियाज़ मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन टू कन्वर्ट टू इस्लाम ही अकोमोडेटेड दैम इंस्टेद अबोलिशिंग द पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स इन्होंने जिजिया टैक्स अबोलिश कर दिया था नहीं लिया था अभी एज अ मुस्लिम मैं Uh, इसके बारे में कुछ अच्छा बुरा नहीं बोलूँगा लेकिन ये सच बात है और मैं ये इधर ये भी लिखा है ट्रांसलेटिंग हिंदू लिटरेचर्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन हिंदू फेस्टिवल्स अकबर ऑल्सो फॉर्म पावरफुल मैट्रिमोनियल अलाइंसिस मैट्रिमोनियल अलायंसेज मैंने ये इधर ये भी पढ़ा है कि इन्होंने राजपूतों के प्रिंसेस के साथ मैरी किया ताकि यूनियन हो यूनिटी हो सके मुसलमान और नॉन मुसलमान के बीच यूनियन हो सके और यहाँ तक कि नहीं ये इन्होंने हिंदुओं को हाई स्टेटस पे भी रखा मतलब एडवाइजरी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट के मतलब आ, जो नज़दीकी लोग होते हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं पावर पे इन्होंने हिंदुओं को यह दर्जा भी दिया मैं अभी ब्रैग नहीं कर रहा हूं बहुत मतलब अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहा हूं या मुसलमानों को लेकिन ये सच बात है मेरे भाई भाई बहनों ठीक है अच्छा बुरा हर रिलीजन में होता है हर रेस में होता है अगर आप सिर्फ बुराई देखेंगे तो देवता भी राक्षस लगने लगेगा इसलिए आप ना मीडिया की बात सुने ना अपने दोस्तों या फिर किसी और की बात सुने ना आप फेमस लोगों की बात सुने ना आप ट्विटर की बात सुने ना आप मूवीज़ देख के ये जजमेंट करें कि कोई ग्रुप रिलीजियस ग्रुप या फिर आ, किसी देश के लोग बुरे या अच्छे हैं अगर आप जानना चाहते कि वो बुरे या अच्छे हैं उनके साथ मिलिए उनके साथ बैठिए उनके साथ बात करिए और अगर आप जानना चाहते कि उनका रिलीजन अच्छा या बुरा है तो आप गूगल पे सर्च नहीं करें उनकी बुराई ठीक है सिर्फ बुराई देखेंगे तो लाजिम सी बात है बुरा लगेगा आप पूरा रिलीजन परे फिर कंक्लूजन पे आए कि रिलीजन अच्छा है या बुरा है आपके मुताबिक तो मैं ये बाई के लिए सिर्फ ये मैसेज देना चाहता था कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है अल्लाह आपको सक्सेसफुल करे मेरे भाई आपका जो नाम है आ, इनका आ, किंग अंदर स्कोर पोलो थर्टी थ्री इंस्टाग्राम मैं ये इससे नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाकर हेट डाले भाई के प्लीज़ 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 आप लोग हेट नहीं डाले मेरा वीडियो सिर्फ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी के लिए था लव एंड पीस प्रमोट करने के लिए था अल्लाह आप सबको खुश रखे और मेरे भाई किंग पोलो अल्लाह आपको भी खुश रखे और आपको तरक्की दे इंशाल्लाह जो भी आप अचीव करना चाहे अल्लाह आपको दे दे और सक्सेस के टूर्ड्स गाइड कर अल्लाह सुबहान तब आपको मैं आप सब के लिए जो भी हेट देगा मैं आप सब के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट दूंगा क्योंकि एज़ अ मुस्लिम मुझे मेरे अम्मी अबू ने यह सिखाया है कि बाकी लोगों के साथ सिर्फ अच्छा पेशा हो और एज अ मुस्लिम क़ुरान और हदीस सुन्ना ऑफ द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मैं मुझे सिखाया गया है कि सबके साथ अच्छे हो क़ुरान पे लिखा गया है अगर तुम एक इनिस एक बेगुना इंसान की जान लोगे वो इसके मुताबिक इसके बराबर है कि तुमने पूरे इंसानियत की जान ले ली है इतना अच्छा बात कहाँ पे लिखा और कहाँ पे लिखा है आप मुझे बता दो अगर आप सिर्फ बुराई देखेंगे लाजिम सी बात है बुराई बुरा ही लगेगा मेरे भाइयों और बहनों मैं आपसे बस यही गुजारिश करता हूँ प्लीज हेथर प्रमोट नहीं करे सिर्फ़ लव पीस एंड रिस्पेक्ट प्रमोट करे अगर कोई बुरा अगर कोई इंसान बुरा करता है ठीक है तो सिर्फ उसी इंसान को बुरा बोलो उसके रिलीजन या फिर उसके कास्ट या फिर उसके वतन को बुरा नहीं बोलो क्योंकि इसकी वजह से दुश्मनी होती है इसकी वजह से लड़ाई होती है इसकी वजह से लोग मरते हैं मैं काश के ये वीडियो इंग्लिश में इंग्लिश में बोलना चाहता था लेकिन ये ज़्यादातर जो है आ, हिंदी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग बाई बाई लोगों के लिए है अल्लाह करे कि आप सब खुश हो इन शामक